Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. Assalamualaikum और सब खैरियत से हैं, मज़े में हैं। आज की वीडियो कोई ख़ास वीडियो नहीं है, 14वां व्लॉग है भाई का आपके। और बातें, मैं सोचा कुछ बातें कर लूँ आपसे, संडे का दिन है, फारिग दिन है, तो आज मैं एक दोस्त के यहाँ भी जा रहा हूँ। लेकिन आपसे एक बहुत ज़रूरी बात ये करनी है कि जब आप मेरी वीडियो देखते हैं तो भाई सब्सक्राइब भी कर दिया करें, फ्री है ये सब्सक्राइब करना। और वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। कोई बात अगर अच्छी पॉजिटिव आपको मुझे समझाने का दिल चाहता है तो वो कमेंट में लिखकर आप शेयर कर सकते हैं मुझसे, मैं ज़रूर उसको पढ़ता भी हूँ और देखता भी हूँ और बहुत मुझे खुशी होती है। तो खुशियाँ फैलाएं, मोहब्बत फैलाएं, सही है। दूसरी बात यह है कि आज फादर्स डे है। फादर्स डे, मदर्स डे, ये दिन बना दिए गए, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। सही बात तो ये है भाई, फादर और मदर का जो है वो हर दिन होता है, ठीक है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने वालदैन की खूब रिस्पेक्ट करें, खूब उनकी खिदमत करें और बहुत सारी दुआएं लें। सच बता रहा हूँ कि बहुत कामयाबी मिलती है और बहुत सारी परेशानियों से आप महफूज रहते हैं ज़िंदगी भर। तो खूब सारी रिस्पेक्ट करें, उनकी खिदमत करें, दुआएं लें। और अगर आपके पेरेंट्स खुदा न खास्ता नहीं हैं तो उनकी उम्र के जो लोग आपके करीब होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, उनका ख्याल रखें और देखभाल किया करें, ठीक है। इसके अलावा जो है कुछ एरियाज़ जो हैं कराची में, आपको पता है कि लॉक सील कर दिए गए हैं, उन एरियाज़ में मेरा एरिया भी आता है जो कि सील हो चुका है। और बाहर कंडीशन यह है सील्ड एरियाज़ की, मतलब मैं अपने एरिया की बताता हूँ कि सब्ज़ी भी नहीं मिल रहा है, ना फ्रूट्स मिल रहे हैं, ग्रॉसरी की दुकानें भी तकरीबन बंद हैं, इक्का दुक्का खुली है। मेडिकल स्टोर भी अगर 50% खुली है, एक दो खुली है और बाकी बंद है। तो पता नहीं क्यों ऐसा है, खैर हमने किया भी इतना ही कुछ है, मैं क्या कहूँ, लेकिन लोगों ने बहुत बेहतियाती की थी जिसका जो है वो खमियाजा सबको कहते हैं। खैर ख्याल रखें अपना और सबका, और बस यही दुआ है कि जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें सही हो जाएं।